अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। ठंड में यात्रा करते समय आपको कोहरे की वजह से ट्रेन के लेट लतीफी का डर सताता है, लेकिन इस बार उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए खास इंतजाम किया है ताकि कोहरे की मार की वजह से ट्रेन की स्पीड पर असर ना पड़े। रेलवे ने 900 से अधिक ट्रेनों में कई खास तरीके का इंतजाम किया है। इस बार उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे की वजह से ट्रेनें कम लेट हो इसके लिए NCR से गुजरने वाली 978 ट्रेनों को फाग सेफ डिवाइस से लैस कर दिया गया है। ये डिवाइस GPS आधारित जापानी तकनीक है, लेकिन भारत में ही बनाई गई डिवाइस है। कोहरे में ट्रेन का परिचालन एक कठिन कार्य होता है और उत्तर मध्य रेलवे चूंकि कोहरा प्रभावित रेलवे है, पूरा रेलवे कोहरे की चपेट में आता है और हमारा परिचालन प्रभावित तो होता ही है। कहीं न कहीं संरक्षा को बनाए रखना, सेफ्टी बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उस दृष्टिकोण से रेलवे ने अपने नियमों के अलावा जो पहले से हम करते आए थे, कोहरे में सावधानियां, ड्राइवर गार्ड्स की काउंसलिंग, स्टेशन स्टाफ की काउंसलिंग, इन सब के इतर फॉग सेफ डिवाइस तकनीक का प्रयोग करके फॉग सेफ डिवाइस का प्रयोग करना भी प्रारंभ किया है, जिसमें ड्राइवर कैब में, इंजन की कैब में फॉग सेफ डिवाइस लेके जाता है। इसमें सारे सिग्नल्स की GPS मैपिंग की हुई है, तो कोई भी सिग्नल आने के करीब 1 किलोमीटर पहले से ही अलार्म जनरेट होता है और ड्राइवर को इंडिकेशन मिलता रहता है कि ये अब फला सिग्नल आने वाला है, ताकि ड्राइवर अगर कोहरे के कारण दृश्यता बाधित भी हो, सिग्नल फिजिकली दिख भी ना पाए, लेकिन तब भी वो उस डिवाइस की मदद से समझ जाता है कि मेरा सिग्नल आने वाला है और सिग्नल के एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही वो आगे अपना परिचालन करता है। इसे परिचालन संरक्षा में, सेफ्टी में तो बहुत महत्वपूर्ण सुधार होगा, साथ में ट्रेन परिचालन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह डिवाइस कहां से मंगाई गई सर? ये इन हाउस डिवाइस है, हमने जो है ये मेक इन इंडिया डिवाइस है। Express via